हेलो एंड वेलकम टू एमबीपीएससी अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। टुडे इज 16th ऑफ अगस्त एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप एमबीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 का प्रीलिम्स और मेंस आपका टारगेट है तो आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी 14th ऑफ अगस्त से शुरू हो चुका है। ये एक हाइब्रिड बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और जो भी हम यहाँ ऑफलाइन सेंटर में देख सकते हैं, क्लासरूम है हमारा इंदौर का, यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सेम हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, और शाम तक आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। अगर आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं कहीं से भी या आपके पास नोट्स हैं तो आप ये 50 टेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मेंस की है, जिसमें आप एक यूनिट पढ़ेंगे और उसी यूनिट का फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके वैल्यूएट करा के उसमें फीडबैक पे काम करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको मॉडल हिंट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। किसने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शन है IIT इंदौर, IIT मुंबई, IIM इंदौर या IIT खड़गपुर। द करेक्ट आंसर इज IIM इंदौर। IIM इंदौर ने क्या शुरू किया है? उसने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिए, विच ऑफ दीज प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट और टूरिज्म आर इन रातापानी सेंचुरी। रातापानी सेंचुरी में इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है भीमबेटका, गिन्नौरगढ़ फोर्ट, रनभैसा रॉक पेंटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? रातापानी सेंचुरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, भीमबेटका के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। भीमबेटका किसने डिस्कवर किया था? वकांकर जी ने किया था। कब किया था? 1957 में किया था। राइट, उस कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये सब रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उसी हिसाब से आपको ये सारा याद कर लेना, क्योंकि एक्चुअली रातापानी सेंचुरी में हम क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? 7 वंडर्स। ठीक है, उन 7 वंडर्स में से ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय IRCTC अंडर देखो अपना देश कैंपेन। IRCTC ने देखो अपना देश कैंपेन चलाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देखो अपना देश कैंपेन किसने चलाया है? IRCTC ने चलाया है। ठीक है, और विच ट्रेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय IRCTC अंडर दिस पर्टिकुलर कैंपेन? ऑप्शन आर वंदे भारत ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, भारत गौरव ट्रेन, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है किस लिए? देखो अपना देश कैंपेन को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? बहुत ही ईजी है, कितने ज्योतिर्लिंग्स हैं मध्य प्रदेश में? टोटल 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन सी? एक हमारे महाकालेश्वर में है और दूसरे हमारे ओमकारेश्वर में। राइट, इसमें से आप मुझे, इसमें से एक ही जो ज्योतिर्लिंग है पूरी ज्योतिर्लिंगों में से, ठीक है, इंडिया की, जो कि ओनली साउथ फेसिंग है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ओनली साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग इज ऑफ महाकाल। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से किन डिस्ट्रिक्ट से होके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है? ये न्यूज़ में बहुत रिसेंटली चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है आपका दिल्ली गुड़गांव NCR एरिया, यहाँ से चला। ठीक है, ये रेवारी आया, ये इधर जयपुर के साइड से होते कोटा, फिर ये MP में एंट्री लिया, अब MP में यहाँ एंट्री लिया है इसने, ये देखिए ये। तो इस बीच में जो जो है वहाँ पे हमारे स्टेट से गुजर रहा है, तो मंदसौर से भी गुजर रहा है, रतलाम से भी गुजर रहा है और झाबुआ से भी गुजर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मंदसौर रतलाम झाबुआ से होते हुए गुजर रहा है, यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। राइट, अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इज हाउ मेनी किलोमीटर्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इट आंसर इज 244 किलोमीटर्स। ये भी आपको याद करना है, बहुत माइन्यूटली अगर पूछ लिया स्पेसिफिकली तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 244 किलोमीटर्स जो है MP से होके गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सैलाना कैक्टस गार्डन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज रतलाम। ठीक है, रतलाम में ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन इज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य 1 गोइंग टू बी लॉन्च? आदित्य 1 जो है हमारा क्या है? सोलर मिशन है, हमारा पहला सोलर मिशन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला सोलर मिशन इंडिया का कौन सा है? तो आदित्य 1, और वो कब हम लॉन्च करने वाले हैं? द करेक्ट आंसर इज September 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट एंड द ऑनली सिटी, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट एंड ओनली सिटी टू बी अवॉर्डेड 7-star रेटिंग
सर्टिफिकेशन इन द कंट्री, ठीक है, किस शहर को 7-स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर, राइट, द करेक्ट आंसर इज इंदौर, ठीक है। क्यों मिलने वाला है ये, क्योंकि इंदौर जो रिसाइकल कर रहा है वेस्ट को, उसमें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से हम करते हैं घर से ही कलेक्ट करके वेस्ट को, उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस द नागलोक टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट रिसेंटली, रिसेंटली नागलोक टेम्पल कहाँ पे बनाया गया है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है, कहाँ पे, सोलन पे, ठीक है, सोलन जगह पे हिमाचल में नागलोक टेम्पल क्रिएट किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट बायो सी एन जी प्लांट लोकेटेड, सबसे बड़ा एशिया का जो बायो सी एन जी प्लांट है वो कहाँ पे है, पुणे, मुंबई, इंदौर और चेन्नई। द करेक्ट आंसर इज इंदौर, इसी कारण से हमें अभी अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो बायो सी एन जी प्लांट है वो इंदौर में है, ठीक है। अभी हम 7 टाइम भी हो सकता है स्वच्छ भारत में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इनमें से कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर या चावरा। द करेक्ट आंसर इज पीतमपुर, पीतमपुर कहाँ पे है, ये है धार डिस्ट्रिक्ट पे। मंडीदीप कहाँ पे है, रायसेन पे, ठीक है। मालनपुर कहाँ पे है, भिंड में है। ये सब क्या है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये याद रख लिया, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया, पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर और जावरा। जावरा कहाँ है, रतलाम का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है, ठीक। तो ये चारों के चारों आपको याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। विच हाईवे पासेस थ्रू पीतमपुर, पीतमपुर से इनमें से कौन सा हाईवे जाता है, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पीतमपुर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी उस पर रहता होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इनमें से NH3, NH97, 52, 339 बी। द करेक्ट आंसर इज NH52, ठीक है, ये जाता है कहाँ से, पीतमपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाडली बहना योजना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वीमेन, करेक्ट, स्ट्रेंथनिंग देयर रोल इन फैमिली डिसीजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। लाडली बहना में ये भी होगा, स्ट्रेंथनिंग देयर रोल इन फैमिली डिसीजन, भाई उनके पास भी मॉनिटरी पावर आ जाएगी, फाइनेंशियली वो थोड़े से साउंड हो जाएंगे तो उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट विमन इंडस्ट्रियल पार्क बींग सेटअप इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कंट्री का पहला विमन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे सेट किया गया है। द करेक्ट आंसर इज इट इज इन पीथमपुर, विच इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो हमारा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। और आप एक काम और करिएगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको प्लीज़ सॉल्व करना चालू करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं MCQs उनको आप प्रॉपरली सॉल्व करें, और कोशिश करें कि एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करें। और जो बच्चे अभी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो क्या करें, वो अपने लिए एक टेम्पलेट तैयार करें, टेम्पलेट, या टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है, जैसे भीमबेटका का क्वेश्चन आया तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे लिखेंगे उसका आंसर, लोकेशन, डिस्कवर्ड बाय और फेमस फॉर, तो ये तीन ही पॉइंट आपको लिखना है, तो इस तरीके से करिए। या कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे WTO, ठीक है, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट लिख लिया, उसका ऑब्जेक्टिव लिख लिया और उसका हेडक्वार्टर लिख लिया यहाँ पे, तो इस तरीके से आप अपने लिए टेम्पलेट्स एक तैयार कर लीजिए और उन्हीं को यूज़ करिए आंसर राइटिंग में, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, डू लाइक एंड कमेंट बिलो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।